फ्रेंड्स आज की वीडियोस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियोस को आप लोग अगर कंप्लीट देखेंगे तो आज इस वीडियोस में हम आप लोगों को ये बताएंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना में आप लोग कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, या फिर प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर जो है 2020 से लेकर के 2022 तक एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐसा स्कीम आया था जहां से कि किसान के लिए काफी ज्यादा अच्छा खासा बेनिफिट्स देखने को मिलता था। दोस्तों इस योजना की बात करें तो यहाँ पे 20 से लेकर के 50% तक का जो है सब्सिडीज किसान को दिया जाएगा ट्रैक्टर परचेज की या फिर ऑनलाइन कृषि यंत्र से रिलेटेड अगर कोई भी परचेज करता है इसमें सब्सिडीज के रूप में दिया जाता था। और यहाँ पे दोस्तों अगर इस बेनिफिशियरी की बात करें तो प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना में जो आप लोग बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहां से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप लोग कैसे अप्लाई करना है, तो इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट वॉच करेंगे तो आज इस वीडियो हम बातें करेंगे प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना में कैसे अप्लाई करना है, प्रधानमंत्री ट्रैक्टर किसान योजना में क्या क्या पात्रता है, कौन इलिजिबल है कौन इलिजिबल नहीं है, या फिर इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, या फिर इसका क्या क्या बेनिफिट्स है। दोस्तों अगर आप इस वीडियोज को अगर कंप्लीट देखते हैं तो आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। और इस वीडियोज में ये भी लाइव दिखाएंगे कैसे अप्लाई आप लोगों को करना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो इसी से टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज है। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से दोस्तों, अगर आप डिजिटल गुरुजी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी इंप्रेस कर लीजिए ताकि आपको डिजिटल हेल्प से रिलेटेड जो भी वीडियोज मैं अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन भी सबसे पहले मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों कैसे किसान ट्रैक्टर योजना में ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। अगर प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना की बात करें तो यहाँ पे किसानों को आधी कीमत पर मिलेगा ट्रैक्टर, और किसानों को आधी कीमत पर जो ट्रैक्टर मिलेगा दोस्तों ये प्रधानमंत्री के द्वारा ट्रैक्टर योजना लागू किया गया। ये जो है दोस्तों नए वित्तीय वर्ष 2020-21 में लागू किया गया, और नए वित्तीय वर्ष के लिए उठाए गए लाभ की अगर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आप लोग को जो है आधुनिक युग में बिना कृषि उपकरणों की बात करें दोस्तों तो खेती की बात करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और केंद्र की सरकार की ओर से दोस्तों 2022 तक किसानों को आय को दुगुना करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। देश सरकार की ओर से किसानों को सब्सिडीज पर ट्रैक्टर उपलब्ध कराया जाता है। अब नया वित्तीय वर्ष 2020-21 शुरू हो गया है, इस वित्तीय वर्ष की सरकार की ओर से सब्सिडी पर किसानों को जो है ट्रैक्टर उपलब्ध कराया जाएगा। और किसानों की पात्रता और राज्य सरकार के नियमों के अनुसार दोस्तों यहाँ पे किसानों को 50% तक की जो है सब्सिडीज दिया जाएगा। और यहाँ पे जो है दोस्तों सबसे खास बात है किसानों की जो है किसी भी कंपनी का जो है ट्रैक्टर वो किसान खरीद सकते हैं, और पात्र किसान को अधिक कीमत चुकानी होगी और आधी कीमत जो है सरकार चुकाएगी। और दोस्तों यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना 2020 का उद्देश्य जो है, अगर इसकी बात करें उद्देश्य की, तो देश में छोटे एवं सीमांत किसानों की संख्या जो है दोस्तों यहाँ पे काफी ज्यादा है, और इसके देखते हुए इस तहत आप लोगों को जो है नए ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है जो वो खरीद सकते हैं, और अधिकांश किसान जो है किराए पर ट्रैक्टर मंगाकर खेतों में काम कराते हैं जिससे उनकी उत्पादन लागत बढ़ जाती है और लाभ कम हो पाता है। देश के किसानों की परेशानी को देखते हुए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जो है किसान ट्रैक्टर योजना शुरू की कर रखी है, और इस योजना के तहत किसानों को नया ट्रैक्टर खरीदने पर 20-50% की सब्सिडी सरकार प्रदान की करती है। और यहाँ पे दोस्तों सरकार का मानना है कि अगर किसान की पास कृषि के लिए पर्याप्त साधन होंगे तो इससे वो केवल कृषि विकास दर की गति मिलेगी और बल्कि किसानों को भी लाभ होगा, आर्थिक लाभ। और प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना 2020 की अगर खास बात है दोस्तों तो यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना सीमांत और छोटे किसानों के लिए शुरू किया गया। इस योजना का उद्देश्य के हर राज्यों में लागू किया गया, भारत के सभी राज्यों में, और किसानों को जो है ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन दिया जाता है, साथ में सब्सिडीज भी दी जाती है। योजना का लाभ उठाने के लिए किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं, और सभी राज्यों द्वारा योजना के लिए अलग अलग वेबसाइट बनाई गई है। किसान ऑनलाइन या फिर नजदीकी कॉमन सर्विसेज सेंटर यानी कि CSC पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों ये रही बातें दोस्तों प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना की। अगर बात करें प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना की प्रमुख शर्तें की, तो यहाँ पे योजना का लाभ रजिस्ट्रेशन के बाद किसानों को सीधे उनके बैंक खाते में दिया जाएगा। इस योजना में रजिस्टर करने वाले किसान ने पिछले 7 साल से कोई ट्रैक्टर नहीं खरीदा हो वहीं इसमें एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एक किसान जो है सिर्फ एक ही ट्रैक्टर खरीद सकते हैं किसी भी फैमिली मेंबर्स का, वो किसान। महिला किसानों को जो इसमें प्राथमिकता दी जाती है दोस्तों। अगर बात करें यहाँ पे किसान के नाम पर जमीन हो तो ये डॉक्यूमेंट्स भी होना उसके साथ साथ जरूरी है। और योजना में रजिस्ट्रेशन के बाद आपका आवेदन स्वीकार होता है तो ही आपके पसंद की ट्रैक्टर जो है खरीद सकते हैं। किसान को उनकी श्रेणी के अनुसार नया ट्रैक्टर खरीदने में 20-50% की सब्सिडीज मिलती है। इस योजना से जुड़े किसानों को जो है किसी भी कृषि यंत्र सब्सिडी योजना में जुड़ा नहीं होना चाहिए। ये बात है दोस्तों प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना की प्रमुख शर्तें यानी कि टर्म एंड कंडीशन।
अगर दोस्तों हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आता है प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना में आवेदन की प्रक्रिया कैसे करें। तो इसमें दोस्तों देश में सभी किसानों को लाभ प्रदान किया जाएगा और इच्छुक लाभार्थी को जो है प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना के अंतर्गत जो आवेदन करना होगा। इस योजना के तहत किसानों को नई ट्रैक्टर पर दी जाने वाली सब्सिडी सीधे उनके बैंक अकाउंट में जाएगी। इसके लिए आवेदक का जो बैंक अकाउंट है वो आपके आधार कार्ड से लिंक होनी चाहिए और इस योजना के अंतर्गत एक परिवार का केवल एक ही व्यक्ति जो है किसान प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना का जो है लाभ ले सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। काफी लाभकारी साबित होगा दोस्तों ये योजना और खेतों में काम भी अच्छी खासी हो जाएगी। और प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना की आवश्यक दस्तावेज की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के लिए आप लोग को किसान के पास अपने नाम की कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए, आवेदन का आधार कार्ड, जमीन के कागजात, पहचान पत्र जैसे मतदाता पहचान, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि, बैंक अकाउंट का पासबुक आपके पास होना चाहिए, मोबाइल नंबर एक होना चाहिए और पासपोर्ट साइज एप्लीकेंट्स का एक फोटो होना चाहिए। यह बात है दोस्तों आवश्यक दस्तावेज की प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना की। अगर दोस्तों यहाँ पे अगली बात करें तो यहाँ पे अगली बात आता है सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना का जो ऑनलाइन अप्लाई या फिर ऑफलाइन अप्लाई कैसे करें। तो इसके लिए दोस्तों जो है नए ट्रैक्टर खरीदने के लिए आप लोग को ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए जो है किसान भाई को कृषि विभाग या नजदीकी जनसेवा केंद्र में जाना होगा, या फिर आप अगर ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप लोग ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। ये केवल कुछ सीमित राज्यों में जो है ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया है, अदरवाइज आप दूसरे राज्य से अगर बिलोंग करते हैं तो वहां पे आपको ऑफलाइन भी फॉर्म जमा करना होगा कॉमन सर्विसेज सेंटर से लेकर के और वहीं पर आपको सबमिट भी करना होगा या फिर कृषि कार्यालय में। प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना में जन सेवा केंद्र पर भी आप आवेदन कर सकते हैं। ये जो राज्य का लिस्ट है दोस्तों ये सारे राज्य का जो है आपको कॉमन सर्विसेज सेंटर पे अप्लाई होगा और यहाँ पे जो प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना में ऑनलाइन आवेदन की तो आप 5 राज्यों में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और गोवा। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे दोस्तों तो वहां से आपको ये राज्य का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहां से आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये केवल 5 राज्यों के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया है और इसमें जो है हमेशा अपडेट आता रहेगा और इसमें जो है ज्यादातर राज्यों को ऐड करने की जो है मुहिम चलाया जा रहा है जो कि किसानों को ज्यादा कठिनाई या नहीं यहाँ पे झेलना पड़े, इसीलिए इसमें ज्यादा राज्य ऐड किया जाएगा। तो यहाँ पे हम एक जो है अपना मध्य प्रदेश का वेबसाइट यहाँ पे लिंक पे आ गए हैं, जैसे कि यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो है कृषि अभियंत्र संचालन, सिंचाई उपकरण जैसे कि यहाँ पे माइक्रो सिंचाई, आधुनिक उपकरण या फिर तो ये सारा आप लोग जो आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आवेदन को जो है प्रोसेस करते हैं कृषि यंत्र के लिए। तो यहाँ पे आपको आवेदक करें, आवेदन जैसे ही करेंगे दोस्तों क्लिक तो यहाँ पे आपको आवेदन करें पे सबसे पहले एक पोर्टल खुल जाएगा महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा है अनुदान हेतु, तो यहाँ पे हम जिला इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम एक डेमो के लिए आपको एक जिला सेलेक्ट कर लेते हैं, हम अपना यहाँ पे हम चूज कर लिए हैं भोपाल को। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आधार कार्ड के अनुसार यहाँ पे नाम डालना है एप्लीकेंट्स का, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है नीचे में, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, आधार कार्ड में जो दर्ज है वो पिता का नाम या फिर पति का नाम यहाँ पर डालेंगे, साथ में वो संबंध क्या है यहाँ पर आप चूज कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पता फुल एड्रेस यहाँ पर डालना है, आपका आधार नंबर यहाँ पर फिल करना है जैसे कि आपके आधार पर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको जिला चूज करना है, यहाँ पे आपके स्टेट का जिला मिल जाएगा तो आप यहां से अपना जिला भी चूज कर लेंगे। उसके बाद यहां पे दोस्तों विकास खंड यानी कि आप अपना प्रखंड को चुन लेंगे तो यहां पे हम चुन लेते हैं। उसके बाद यहां पे आप ग्राम भी चूज कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे अपना ग्राम, आपका कौन सा ग्राम है आप अपने एरिए का। उसके बाद दोस्तों यहां पे कृषि वर्ग में आप किस कैटेगरीज में आते हैं वो यहां से चूज कर लेंगे, जनरल, एससी, एसटी, तो यहां पे आप अपना चूज कर लेंगे। हम यहां पे चलिए जनरल को चूज कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो आवेदन की जो है सारा प्रोसेस करने के बाद हम यहाँ पे अपना फिल कर लिया फॉर्म को, जैसे कि हम आधार कार्ड के अनुसार नाम डिजिटल गुरुजी, मोबाइल नंबर हमारा है, जन्म तिथि हम यहाँ पे डाल दिए हैं, आधार कार्ड में दर्ज पिता या पति का नाम जैसे कि हम यहाँ पे सूरज कुमार एक डेमो के लिए लेट्स मान ले यहाँ पे दे दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे हम पता, आधार नंबर, जिला भोपाल, उसके बाद ग्राम, कृषि वर्ग, उसके बाद यहाँ पे आवेदन के लिए टर्म और कंडीशन यहाँ पे हम टिक कर लेंगे। टर्म एंड कंडीशन को टिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे मेरा जो है फाइल कंप्लीट हो चुका है, तो इस तरह से हम ओके कर देंगे। फ्रेंड्स आप लोग इसी तरह से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, 5 राज्यों का जो है स्टेट का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाएंगे और आप लोग अप्लाई करेंगे ऑनलाइन। या फिर इससे ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं दोस्तों तो आप लोग अपने नजदीकी कॉमन सर्विसेज सेंटर पे भी जा सकते हैं, या फिर इसके बारे में फॉर्म अप्लाई करना नहीं जानते हैं तो आप लोग खुद से नहीं करना चाहते हैं तो आप कॉमन सर्विसेज सेंटर पे जाएंगे, या फिर आप जो है कृषि विभाग के कार्यालय में जाएंगे अपनी नजदीकी, तो वहां से आपको इस सारे बेनिफिट्स के बारे में और कैसे आवेदन करना है
इसको आप लोग वहां पे मालूम कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। तो सो आई होप कि वीडियोस आप लोगों को पसंद, अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए। डिजिटल गुरुजी पे नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी इंप्रेस कर लीजिए, मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और आप लोग डिजिटल गुरुजी के बारे में अगर ज्यादा जानना चाहते हो तो मेरे वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाइए और आप लोग ज्यादा मेरे बारे में जानकारी कर सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। मैं सूरज कुमार आपका दोस्त, जय हिंद।